नमस्कार। नवरात्रि पर्व। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्ठ मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्ठ मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही है। इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। श्लोक। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लूत मेवाचा दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्ठ मांडा शुभदास्तु में। स्वरूप। माँ कुष्ठ मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्ठ मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए, तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। विधि विधान से माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ कुष्ठ मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वदा विमुक्त करके उसे सुख स्मृति और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। पूजन। इस दिन जहां तक संभव हो बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहिता महिला का पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन में दही हलवा खिलाना शेष कर है। इसके बाद फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान भेंट करना चाहिए, जिससे माताजी प्रसन्न होती हैं और मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। इनसे संबंधित कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान है। माँ कुष्ठ मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्ठ मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। आज के दिन यदि आप माँ कुष्ठ मांडा की उपासना करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले माँ का ध्यान मंत्र पढ़कर उनका आह्वान करें। माँ का मंत्र जाप करें। सतुता सुरहि पूर्वम भीष्ट संश्रया तथा सुरेन्द्रेणु दिनेशु सेविता करोतु साना शुभ हेतुरीश्वरी शुभानी भद्राण्य भी हंतु चापदः। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।